वी ऑक्सीजनित लिखा लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए, वी ऑक्सीजनित, वी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है, वी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो हृदय है वो दो भाग में बटा हुआ है, बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग का भी दो कोष्ठ है, बायां निलय, बायां आलिंद। दायां का भी दो है, दायां कोष्ठ, दायां दायां आलिंद और दायां निलय। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो बाएं कोष्ठ में आता है, ठीक है। और वी ऑक्सीजनित का मतलब होता है अशुद्ध ऑक्सीजन, ठीक है। जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो दाएं कोष्ठ में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारा हृदय है वो बाएं भाग और दाएं भाग में बटा हुआ है, और बाएं का भी दो कोष्ठ होता है, बाएं बायां आलिंद, बायां निलय। दाएं का भी दो कोष्ठ होता है, दायां आलिंद, दायां निलय। ऑक्सीजन वाला जो होता है ब्लड, ऑक्सीजन वाला, वो बाएं भाग में आता है, जबकि वी ऑक्सीजनित, वी ऑक्सीजनित का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन वाला, ठीक है। वो कहाँ चला जाता है? तो दाएं भाग में, दाएं कोष्ठ यानी कि दाएं आलिंद में चला जाता है। तो दोस्तों, हम आज के वक्त में आपको दे रहे हैं फ्रेश डायग्राम, आप बनाइएगा किसका, तो हृदय का, मानव हृदय का, ठीक है। और फ्रेश डायग्राम बनाकर हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा, हम देखेंगे कि किसका सबसे बेस्ट फिगर बना हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावें, ठीक है, पाचन तंत्र का बनावें, न्यूरॉन का बनावें, यानी कि बायोलॉजी में फिगर तो आता ही आता है। तो आप हृदय का फिगर अच्छे से क्लियर कीजिएगा। हालांकि अभी और हम लोगों को हृदय में पढ़ना बाकी रह गया है, तो हम लोग अगले क्लास में और हृदय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देख पा रहे होंगे कि जब हम लोगों का बायां आलिंद फैलता है, यानी कि ये और ये वाला पार्टी, देखिए यहाँ से ब्लडिंग आता है ना, यहाँ से ब्लडिंग आता है, तो ये इस चैम्बर में यहाँ से ब्लडिंग आता है, यहाँ से इस बायां निलय में आता है, यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो बाएं तरफ आता है, ठीक है, और बाएं तरफ बाएं इलंद आलिंद में प्रवेश करता है, और बाएं इलंद आलिंद जैसे ही हम लोगों का फैलता है, यानी कि ये वाला मेरा पार्ट अगर फैला तो बायां निलय क्या हुआ, संकुचित हो गया। संकुचित का मतलब ये सिकुड़ गया, यानी कि ये दोनों उल्टा प्रोसेस होता है, एक अगर फैलता है तो एक सिकुड़ता है, संकुचन होता है। यानी कि कहने का मतलब कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो होता है वो बायां आलिंद में आता है, और बायां आलिंद में आता है तो ये फैल जाता है। बायां आलिंद क्या हो गया, ये फैल गया, जैसे ही ये फैला तो बायां निलय क्या हो गया, संकुचन हो गया। संकुचन का मतलब सिकुड़ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जब बायां आलिंद अगर फैलता है तो बायां निलय क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। चलिए उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो दे दिया जाए, लिखेंगे ऊपर वाला दायां कोष्ठ, ऊपर वाला दायां कोष्ठ, ऊपर वाला दायां कोष्ठ, ब्रैकेट में दायां आलिंद जब फैलता है, ब्रैकेट में लिखिएगा दायां आलिंद, ब्रैकेट क्लोज। तो पंपन यंत्र के बारे में आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखेंगे कि आखिर पंपन यंत्र क्या है। पंपन यंत्र का मतलब हमारे शरीर का हृदय, ठीक है, हर्ट जिसको बोलते हैं। हर्ट क्या करता है, वो पंप करते रहता है, उसी को हम लोग हृदय का धड़कन भी बोल सकते हैं, हृदय का धड़कना बोल सकते हैं, ठीक है। ये हृदय का धड़कना का मतलब ये पंपन यंत्र, एक पंपिंग यंत्र के जैसा, एक ऐसा मशीन है जो पंपिंग करते रहता है ऐसे, और हम उसको धड़कन नाम दे देते हैं कि हृदय का धड़कन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, VVI पॉइंट जो हम लोग आज पढ़ेंगे, पंपन यंत्र, पंपन यंत्र डैश देके हृदय। पंपन यंत्र हमारे शरीर का कौन सा है, हृदय, यानी कि सवाल आप याद रखिएगा कि पंपन यंत्र के नाम से हृदय को जाना जाता है, ठीक है। चलिए उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे
हृदय एक पेशीय अंग है, उसके नीचे आपको देंगे, हृदय एक पेशीय अंग है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछेगा कि हृदय का आकार कैसा होता है, तो हृदय का जो आकार होता है बिल्कुल मुट्ठी के जैसा, अगर हम लोग मुट्ठी ऐसे बांध लेते हैं ना, यही मुट्ठी के आकार का हम लोगों का हृदय होता है, यानी कि हम लोगों का हार्ट होता है। ठीक है, जो एक पेशीय अंग भी होता है। हम दिखाना चाहते हैं आपको फिगर, आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर है हमारा हृदय का। ठीक है, आप देख लीजिए, ये हमारा हृदय है, बढ़िया से चीज़ों को देख पाएंगे, ये हृदय है, और इस हृदय में एक विभाजिका होता है, ये वाला मेरा मेन विभाजिका है, ये वाला जो मेन विभाजिका है, यानी कि हृदय का आधा आधा भाग, ये हम लोगों को मेन विभाजिका है। ठीक है, ये विभाजिका कहलाता है, इससे बाएं वाले को बोला जाता है बाएं तरफ का कोष्ठ, और एक होता है दाएं तरफ का कोष्ठ, यानी कि बोला जाए तो कुल मिलाकर हमारा हृदय जो है चार कोष्ठ में बटा हुआ है, यानी कि हृदय का टोटल चार भाग है, एक भाग ये दिख रहा है, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, और चौथा भाग ये। ठीक है, यानी कि बाएं तरफ भी दो भाग है और दाएं तरफ भी दो भाग है, बाएं तरफ का दो भाग को बोल सकते हैं बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है, और दायां तरफ को बोलते हैं दायां आलिंद, ये हो गया, और दायां निलय ये हो गया। हालांकि आपको क्लियर फ्रेश डायग्राम मानव हृदय का बना लेना होगा, जो एनसीईआरटी के बुक में क्लियर दिया हुआ है, उसमें तो अलग अलग कलर में भी दिखाया गया है कि कौन से कलर में दायां आलिंद है, कौन से कलर में बायां आलिंद है, बायां निलय है, दायां निलय है ना। तो आप इस फिगर को पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा हो तो इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे फ्रेश डायग्राम आपको ये हृदय का बना लेना होगा, ये हृदय है, मानव हृदय। ठीक है, तो पहले आप इस फिगर को बना लीजिए, क्योंकि जितना भी हम लोग बात पढ़ेंगे इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, जो देख पा रहे होंगे कि एक हम लोगों का मुट्ठी के आकार का ये हृदय है। ठीक है, ठीक है, फिर आप फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, फर्स्ट एरो देकर लिखे हुए हैं, चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, सेकेंड एरो लिखा जाए। हमारा हृदय कई कोष्ठों में बटा हुआ होता है, हमारा हृदय कई कोष्ठों में बटा हुआ होता है, हमारा हृदय कई कोष्ठों ऐसे कई कोष्ठों में बटा हुआ होता है। ठीक है, अभी आपको फिगर दिखा है ना, कई कोष्ठ में बटे होते हैं, मतलब कुल मिलाकर चार कोष्ठों में बटा हुआ होता है, बाएं तरफ का भी दो भाग, बायां निलय और बायां आलिंद, और दाएं तरफ भी दो कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अरु देंगे, लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस
फुफ्फुस से वापस, ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि आप फुफ्फुस के बारे में पढ़े होंगे जब हम लोग श्वसन को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रुधिर से कहाँ आता है, फुफ्फुस में, ठीक है। और वह वहाँ से जो फुफ्फुस से वापस जो है ऑक्सीजन जो है वो चला जाता है हृदय में, यानी कि जो हृदय होता है हम लोगों का, इस हृदय में ऑक्सीजन चला जाता है। हम लोग बोलते हैं ना, आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ध्यान देना, जब आप वायु श्वास के माध्यम से लेते हैं तो उसमें कई तरह की हवा लेफ होता है जिसमें मिश्रण होता है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। जैसे ही हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है, ठीक है, श्वसन की क्रिया में भाग लेता है फुफ्फुस, कोशिकाएं, ठीक है। तो ये सब सारा क्या किया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही अलग किया तो अब मेन काम क्या है कि ऑक्सीजन अब पूरे बॉडी तक पहुंचेगा कैसे। तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए एक दाब यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं विसरण दाब। हम लोग पढ़े हैं, ऐसा पढ़े हुए हैं कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे पूरे शरीर में विसरण दाब की क्रिया होता है। अब विसरण दाब की क्रिया कहाँ तक होता है, अगर हम लोग ये भी पढ़े हैं कि विसरण दाब की क्रिया से हमारा पैर के उंगली तक ऑक्सीजन को पहुंचने में 3 वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन इसको जल्दी पहुंचाने के लिए रुधिर वर्ग का सहारा लिया जाता है, यानी कि जो ब्लडिंग बहते रहता है उसका सहारा लिया जाता है। और ये ब्लडिंग बहता कैसे है, ठीक है, हमारे ब्लड जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ब्लड हमेशा बहते रहते हैं, तो आखिर ये होता कैसे है, वो कंट्रोल काम करता है हृदय। हृदय का काम है पंपिंग करना, जिसको पंपिंग मशीन भी बोल सकते हैं, पंपन यंत्र भी बोल सकते हैं। तो हृदय एक पंपिंग मशीन है जिसमें अगर ब्लड आता है फिर यहाँ से छोड़ा जाता है, पंप करता है, फुल स्पीड से बाहर निकलता है ब्लड, इतना स्पीड से कि फटाफट कई नलियां होती है हृदय से जुड़ी हुई, जिसको हम लोग नस कहते हैं, ठीक है। हमारे पैर का नस, पूरे बॉडी का अलग अलग नस है, तो उस नस में क्या सप्लाई होता है, ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, सिवाय कि ऑक्सीजन भी पूरे बॉडी तक पूरे बॉडी में पहुँच गया किसके माध्यम से, तो ब्लड के माध्यम से, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन जो है वापस हृदय में लाता है और हृदय से ही पंपिंग होकर पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाता है, यानी कि हृदय का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में अलग अलग कर दिया तो हम उससे जीवित हैं, नहीं, क्योंकि वो जब तक पूरे बॉडी में हम लोगों का नहीं पहुंचेगा, दैट इज़ हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो यही रुधिर करता है, खून करता है, जो हृदय जो है इस खून को पंपिंग करता है। जैसे यहाँ पे पंपिंग किया, जैसे मान लिया कि ये ब्लैडर है, हृदय है, इसमें अभी बहुत सारा खून जमा हो गया क्योंकि फैल गया, ये भी हृदय फैला हुआ है, इसमें बहुत सारा ब्लड आ गया। अब जैसे ही ये पंप करेगा तो जितना भी इससे छोटा छोटा नली जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग नस कहते हैं, उस नस में फटाफट हाई स्पीड से फटाफट यहाँ से ब्लड चल गया, फिर ये ओपन हुआ तो इसमें फिर ऑक्सीजन वाला जितना भी है ब्लड उसमें फिर शामिल हो गया और फिर ये पंप करते रहता है, ठीक है। ऐसा करते रहने से हमारा सबका अलग अलग काम है, आप देखते रहिए। कुछ अशुद्धि रक्त भी होते हैं, तो अशुद्धि रक्त भी हम लोगों को सप्लाई करता है शुद्धि रक्त में, ठीक है। तो फिर लिखेंगे उसके नीचे, हालांकि फिगर एकदम क्लियर बनाइएगा, लिखेंगे ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर
ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ में आता है बाईं ओर स्थित कोष्ठ में आता है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हमारा जो ऑक्सीजन आता है वो हमारा हृदय के किस पार्ट में इन करता है। तो आप फिगर बनाएंगे तो पता चलेगा कि हृदय जो है एक का कुल मिलाकर चार पार्ट है। इसको बोलते हैं बायां आलिंद, इसको हो जाता है बायां निलय, और ये हो गया दायां आलिंद दायां निलय। सबसे पहले बाईं कोष्ठ में ऑक्सीजन वाला ब्लडिंग प्रवेश करता है, यानी कि इसमें कौन प्रवेश किया, ऑक्सीजन वाला जो रुधिर है वो बाएं कोष्ठ में प्रवेश करता है, यानी कि बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो। जब बायां निलय फैलता है तो बायां आलिंद संकुचित होता है, जिससे रुधिर शरीर में जिससे रुधिर शरीर में स्थानांतरित होता है। चलिए, सबसे पहले आपको हम फिगर बना दिखा देना चाहते हैं कि ये देखिए हम लोगों का फिगर है। ठीक है, ये फिगर है, साफ दिख रहा होगा। हाँ, हम जैसा कि बताएं हमारा हृदय चार कोष्ठों में बटा है, इसको बोलते हैं बायां आलिंद, ये हो गया बायां निलय, ये हम लोगों का विभाजिका हो गया, ये आधा आधा बांटता है, एक बाएं तरफ और एक दाईं तरफ। ठीक है, तो बाएं तरफ का दो कोष्ठ है, बायां आलिंद बायां निलय, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भोजन कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का वहन करता है। चलिए, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि प्लाज्मा जो है किसको किसको वहन करता है, किसको किसको ढोता है, किसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो इसमें हम लोग आंसर कर रहे थे कि प्लाज्मा जो है किसको किसको वहन करता है, तो भोजन कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि भोजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन मतलब N का वहन करता है। कौन करता है वहन, तो प्लाज्मा। ठीक है, और ये प्लाज्मा क्या किसको कहते हैं, तो रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो। मानव में वहन के लिए एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है। पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। चलिए, अभी हम लोग क्या समझें
ये तो पक्का है कि वहन जो है, वहन का काम कौन करता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा ही वहन का काम करता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, ठीक है। अब वो जो वहन का काम करता है उसमें किसका किसका वहन होता है, इट मीन्स कि किसका किसका किसको किसको ढोता है, ठीक है। भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब इसको वहन करने के लिए हमारे शरीर में एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है। अब पंपन यंत्र का मतलब क्या, ऐसे पंप करता है रहता है। ये पंपन यंत्र का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पंप करता है तो यहाँ से फुल स्पीड से ब्लड जो है पूरे बॉडी में जाता है। ये अगर मान लिया कि ये ब्लैडर है, और जैसे गुब्बारे में आप सिंपली पानी भर दीजिए और उस गुब्बारे को प्रेस कीजिए, तो क्या होगा, पानी बाहर होगा, और जैसे ही गुब्बारे को छोड़िए पानी उसके अंदर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर में एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं, क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी एक बायोलॉजी के चैप्टर जैव प्रक्रम को पढ़ रहे हैं। उस जैव प्रक्रम में पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आंसर को देखे थे, ठीक है, प्रश्न उत्तर को किए थे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे के काम करते हैं। अगला जो टॉपिक्स है वो है मनुष्यों में वहन या मानव में वहन, मानव में वहन। मानव में वहन का मतलब ये हुआ, वहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना। यानी कि आपको पता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है, जैसे श्वसन में हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्सीजन एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो पूरे बॉडी तक पहुंचता है। कौन? ऑक्सीजन हमारे अंदर पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो मानव में वहन, तो वहन का मतलब होता है गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है। जैसे आपको पता है हमारे नस में ब्लड यानी कि खून हमेशा दौड़ते रहता है, वो भी एक वहन का ही माध्यम है, उसको भी वहन बोलेंगे, ठीक है। वहन का मतलब क्या होता है, वहन का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो लिक्विड हो चाहे और भी कुछ सब्सटेंसेस हो, अगर हमारे शरीर के अंदर अगर दौड़ते रहता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वह एक वहन का माध्यम हुआ। जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड का दौड़ना, ठीक है, ब्लड दौड़ते रहता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये भी एक वहन हुआ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले कुछ लिखा जाए, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे रुधिर। रुधिर का मतलब होता है खून, ठीक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट अरु देंगे, रुधिर एक तरल माध्यम होता है। रुधिर एक तरल माध्यम होता है जिसे 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 प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। पूर्ण विराम। इसमें कोशिका निलंबित होती है, इसमें कोशिका निलंबित होती है, इसमें कोशिका निलंबित होती है, ठीक है। देखिए, हम लोग को पता है कि
कि रुधिर का मतलब होता है खून, एक ऊतक है और कौन सा ऊतक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारा खून जो है कौन सा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक, तो तरल संयोजी ऊतक है हमारा ब्लड। और आपको पता होना चाहिए कि रुधिर जो है एक तरल माध्यम, तरल माध्यम किसको बोलेंगे, तो तरल का मतलब होता है कि उसमें ऐसा मिक्सचर हो कि कण कण में उसका सब विलयन तैयार है, यानी कि कण कण में, जैसे मान लिया जाए कि दूध में मक्खन जो है कण कण में भरा रहता है, आपको दिखता नहीं है, जैसे आप दूध पीते हैं तो आपको मक्खन नहीं दिखता है, लेकिन दूध से मक्खन निकालने के प्रोसेस आप जानते हैं कि कितना है, तो दूध में जिस तरीके से हर एक कण कण में मक्खन, वसा, फैट पाया जाता है, उसी तरीके से रुधिर जो है एक तरल माध्यम है, और तरल का मतलब उसमें बहुत सारे अनेक कणों का मिलकर वो बना हुआ है, तरल है, जिसको हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं। यानी कि हम प्लाज्मा किसको कहते हैं, तो रुधिर का जो माध्यम है वो तरल होता है, इसलिए उसको प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। और इस प्लाज्मा में क्या होती है, कोशिका निलंबित रहती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे बॉडी की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और कोशिका से ही मिलकर ऊतक बनता है, ये हम लोग 9th क्लास में सीखे हुए हैं, ठीक है। तो कोशिका से ही मिलकर ऊतक बना हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि खून मेरा क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं निलंबित होगी, कोशिका से मिलकर ही बना हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा